बोल सर। कविता जी, आज ये यहाँ गाने की शूटिंग हो रही है, जरा उस बारे में बताइए क्या चीज़ है। जी ये हमारा न्यू बैनर है एस्केप प्रोडक्शन। इसके अंदर एक एल्बम हम शूट कर रहे हैं, पहला हमारा होली का एल्बम है, और उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं आप, इनको लगी हुई है थोड़ा छेड़खानी का हमने रखा हुआ है कॉन्सेप्ट। भैया आपको चोट लगी, किस तरह चोट लग गई, कुछ बताएं इस बारे में। सबसे पहले प्रणाम नमस्कार, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी आजहान। मैं हूं आप सबका विजयराज यादव, गायक व नायक, और आप मुझे देख रहे हैं लाइव। और जी सर बताएं, आपको चोट लगी हुई दिखाई दे रही है, किस तरह चोट लग गई है। दरअसल ये एक बहुत ही फनी, बहुत ही एक्शन, बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही इमोशनल गाने हैं। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों को, बिकॉज लुक से पता चल रहा होगा आपको। बहुत जल्दी गाने रिलीज़ हो जाएंगे हमारी न्यू म्यूज़िक कंपनी से, जिसका नामकरण अभी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, पेपर वर्क हो चुकी है, और मैम का बैनर है जिनके प्रोडक्शन में बन रही है एल्बम। भैया आप सिंगिंग भी करते हैं जी, और रैप सॉन्ग भी गाते हैं, क्या इसमें क्या डिफरेंट है, किस तरह, कितना स्कोप है भोजपुरी में इसकी? डेफिनेटली सब लोग अच्छा कर रहे हैं, स्कोप है, तभी तो हम लोग काम कर रहे हैं। दर्शक है, पब्लिक है, स्कोप है, कर रहे हैं हम लोग। अगर दो लाइन रैप वाला कुछ सुना दे तो जी। हाँ, अभी हाल में जो गाना मैं अभी शूट कर रहा हूँ, जिसका गेटअप आप देख रहे हैं, वही आज जो मैं शूट कर रहा हूँ उसी का सुनाता हूँ। अरे कनवा पकड़ी एक के बोल रहे हैं लड़की नहीं पटाएंगे, अरे कनवा पकड़ी एक के बोल रहे हैं लड़की नहीं पटाएंगे, आ देही में इतना खून नहीं है कि तेरे लिए रोज पिटाएंगे। अरे मिल के बोला बलू नहर के अरिया, भाई तोहर मार के तोर लस्टंग अरिया किया बिल हरदी छपाते है। ये हरदी भी छपा है हमारे। अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। इसका रैप है कि 13 बार फोन किया फोन ना उठाई हो, जाने कौन सा बात पे हमसे खिसी आई हो, हमारा के बुझ ले ले बाड़ू लतखोर, इहे से ब्लॉक नंबर किए हैं तोर। कुछ इस टाइप के गाने हैं सर। मैम आप बताइए आप किस प्रकार से इसमें जुड़े हुए। मैं इनकी हीरोइन हूँ और मेरे भाइयों ने इनको ये देखिए क्या हाल किया है सॉन्ग के अंदर। हम लोग रोमांस करते हैं छुप छुप के, और मेरे भाई को पता चल जाता है तो मेरा भाई इनकी ठोकाई कर दिया है, देख रहे हैं सर फोड़ दिया ठोक। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर एक्टिंग भी करते हैं, किस तरह का ये विजय जी हैं और मैम भी हैं जी, किस तरह का सहयोग मिल रहा है? विजय जी तो बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी है। थैंक यू। और जैसे कि पलक जी को तो आप जानते ही है, मतलब इंडस्ट्री में मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग करीब 1.5 साल से दोस्त हैं जी। तो मेरा यही सपोर्ट है कि चैनल आगे बढ़े और आगे और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हो, और जब भी कविता याद करेंगे, जब भी कविता जी मुझे बोलेंगे, हम लोग हाजिर हैं इनके लिए। तो कविता मैम ये जानना चाहेंगे कि आपके प्रोडक्शन के तले और कौन कौन से, मतलब जैसे फिल्म होगी या फिर और सॉन्ग्स रिलीज होने वाले हैं, कुछ पाइपलाइन में इस तरह के हैं कुछ? जी हाँ ज़रूर, हम इसके बाद वापस और सॉन्ग करने वाले हैं विजय जी के साथ ही, और उसके बाद हम फिल्म भी करेंगे, तो आई होप विजय जी हमारा साथ हमेशा दे, ऑलवेज हैं। और मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि और भी, जैसे कंपनी के लिए मैं गाता हूं, इनके लिए गाता हूं, मेरा पहला सॉन्ग होगा, पहली म्यूज़िक कंपनी जो फर्स्ट गाने रिलीज होगी, सो आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड, और मैं बहुत खुश हूं इनके साथ काम करके, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक डिफरेंट टाइप का ऊर्जा मिल रहा है मुझे, एंड बहुत ही भव्य तरीके से ये प्रोड्यूस कर रही है एल्बम को, जो बहुत लोग, बड़ी कंपनियां हमारी जो है और भी इंडस्ट्री में, हमने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है, हमने हर कंपनी के लिए गाया है, बट कुछ यूनिक है, जिस हिसाब से न्यू है, अभी तक कंपनी हमारी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई मैम की, बट इन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कहते हैं कि विश्वास किया उन्होंने कि मैं इनके कंपनी के लिए पहला गाना गाऊं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, चोट लग गई। थैंक यू सो मच। मैं एक, जब गाने की बात चल रही है, भोजपुरी बहुत ऊंचे उड़ान पे जा रही है, आप जैसे अच्छे सिंगर हैं, रैपर भी हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ये देखते हैं यूट्यूब पे गाने की, जब सीरीज देखते हैं जो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं,
भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने हैं, अच्छे अच्छे रेपर हैं, वो ट्रेंडिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? सर ये टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल ही दे पाएंगे, हमें तो इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम तो बस अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा हो, पसंद ना पसंद, ट्रेंडिंग, हम ट्रेंडिंग के लिए काम ही नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूँ कि मैं व्यूज़ के लिए काम ही नहीं करता हूँ। मैं काम, मेरे जितने भी आप तक वीडियो देखेंगे आपकी, वो फैमिली के साथ बैठ के उठ के देखेंगे, आप सारे फैमिली के साथ देखिए। मेरा व्यूज़ पे काम नहीं कर रहा हूँ मैं कि मेरे व्यूज़ मिलियन हो जाए, मेरे व्यूज़ 10 मिलियन हो जाए, तो व्यूज़ का कोई मुद्दा नहीं है। एक अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ मैं। सॉन्ग शूट हुआ है, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, विजय जी अच्छे सिंगर है, रैपर भी है और इनकी एक्टिंग भी बहुत लाजवाब है। आज मैंने देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इनके बारे में? और बहुत बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, सिंगर भी हैं और सॉन्ग भी बहुत अच्छा गाते हैं। इनके जितने भी सॉन्ग सुने हैं मैंने, बहुत ही अच्छा, मतलब हर एक सॉन्ग में एक देहाती सॉन्ग भी गा लेते हैं, रैप भी, हिंदी भी, बस गा लेते हैं। तो सॉन्ग अच्छे हैं इनके, सारे सीख रहे हैं अभी तो बस। विजय जी आपको गाने में भी लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग को भी लोग पसंद कर रहे हैं, अपने दर्शकों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अजीब, मैं सारे भोजपुरी दर्शकों को हाजिर के प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने इतना प्यार दुलार दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मेरे सारे काम को और मुझे देते रहेंगे, और जब तक जीऊँ इनके लिए जीऊँ, हमारी ज़िंदगी इनके नाम कर दिया है हमने, और यही हम सब कुछ है हमारे लिए। तो इनके बिना तो ना नेता ना अभिनेता कोई नहीं है, सो जनता जनार्दन सही है। कविता जी, SKF आपके नया प्रोडक्शन हाउस है, कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी हाँ, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, इस चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें एक यूनिक चीज़ आ रही है, कभी रैप आ जा रहा है, कभी फोक सॉन्ग आ जा रहा है, कभी होली सॉन्ग आ जा रहा है, तो प्लीज़ इसको देखिए, बस इस गाने बहुत सारा प्यार दीजिए। यस डेफिनेटली, इस गाने के माध्यम से सारी यूट्यूब कंपनीज को हम लोग जल्दी ही चैनल का नाम बताएंगे कि हमारी म्यूज़िक कंपनी का नाम क्या है, मैडम ने रखा है, सो अच्छे तरीके से इन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। सो आई होप जैसे ही और कंपनियों को आप लोगों ने प्यार दुलार दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कंपनी को भी आप लोग प्यार दुलार दें, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जी को भी बहुत सपोर्ट, और मेरी अभी एक हाल में ही एक फिल्म रिलीज होने वाली है, सनम परदेशिया, बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, सो आप लोग प्लीज़, डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है रिलीज का, और 20 तारीख से जा रहा हूँ मैं लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे का शूट करने के लिए पटना बिहार में। सो यही सब है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।